नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को माघ गुप्त नवरात्रि की एक विशेष प्रयोग को बताने वाला। आप सभी को मालूम है 23 जनवरी 2023 से माघ गुप्त नवरात्रि आरंभ हो चुकी है और इसका समापन होगा 30 जनवरी 2023 तक। जिसे करने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो मैं अब आप लोगों को बताने वाली हूँ, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि हमारे जीवन में इच्छाएं कभी भी खाली नहीं जाती है। आप जो भी मांगते हो, जैसा भी मांगते हो, वो आपको मिलती जरूर है। बशर्त यही है कि आप जिस चीज की मांग कर रहे हैं वो सही होनी चाहिए और कारण अच्छी होनी चाहिए। तो उसे ईश्वर भी लग जाते हैं इसे पूर्ण करने के लिए, क्योंकि सारी ब्रह्मांड की जो भी शक्तियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा पर ही कार्य करती है। लेकिन वो इच्छा हमेशा दूसरों के अच्छे के लिए होने चाहिए। तो माता दुर्गा को अगर प्रसन्न करना है तो माघ गुप्त नवरात्रि में ये छोटा सा प्रयोग करके देखिए, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। करने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो है अब मैं बताती हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको ये जो कि माघ गुप्त नवरात्रि शुरू हो चुकी है, इसमें किसी भी एक दिन आप ऐसा कर सकते हैं। ये 30 जनवरी के अंदर आपको करना है। करने के लिए जो आप लोगों को चीजों की जरूरत है वो है 9 सफेद बताशे या फिर लाल बताशे लेंगे, और आप लोगों को जो जरूरत है लौंग की। करने के लिए जो आप लोगों को करना है कि सबसे पहले नहाकर फ्रेश हो लीजिएगा, धुले हुए ढीले ढाले कपड़े पहनिएगा, लाल आसन लीजिएगा, उस पर बैठिएगा और माता दुर्गा के समक्ष आपको एक घी का दिया जलाना है। उस घी के दिए में थोड़ी सी लौंग और कपूर जरूर डालिएगा। इसके बाद आप लोगों को एक पात्र में 9 बताशे सजाने हैं, यानी 9 बताशों को सजा कर रखने हैं, और प्रत्येक 9 बताशे में आपको 2 लौंग करके रख देने हैं, यानी 9 बताशे में 2 लौंग करके आपको सजा कर रखने हैं। इसके बाद आपको माता दुर्गा के समक्ष अपनी अर्जी लगानी है, यानी आप माँ को समर्पण कर रहे हैं इस चीज को, लेकिन आपको अपनी इच्छाओं के साथ कहना है कि आप आज का जो प्रयोग कर रहे हैं ये आप अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति करने के लिए कर रहे हैं। वो इच्छा कुछ भी हो सकती है, धन, विवाह, प्रेम, व्यवसाय या फिर कुछ भी, एजुकेशन या फिर हेल्थ, किसी भी चीज के लिए आप ये प्रयोग को कर सकते हैं। इसके बाद समर्पण करने के बाद आप जब वहां पर बैठेंगे तो बैठकर आपको सिद्ध कुंजिका का 7 बार पाठ करना है और दुर्गा चालीसा का पाठ आपको 1 बार करना है। करने के बाद आप लोगों को माता दुर्गा की आरती करनी है, वो सिर्फ और लौंग और कपूर से। जब आप आरती करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी इच्छाओं को कहेंगे और माँ की तारीफ करेंगे, क्योंकि माँ बहुत खूबसूरत है। तो आप जब दिल से माँ की तारीफ करते हैं तो डेफिनेटली आप माता को प्रसन्न भी करते हैं। जब आरती करेंगे तो अपनी प्रशंसा के साथ साथ आप अपनी माँ को इच्छा भी बताएं। सारी पूजा और नियम के करने के बाद आपको वो सारे 9 बताशे और लौंग आपको वहीं पर पूरे दिन पूरी रात वहीं पर रख देनी है। उसके अगले दिन आपको ये पूरे जो बताशे है और लौंग है उसे समेटना है और इसे किसी भी एक कपड़े में इसे आपको लेना है। अब जो आपने बताशे जो कलेक्ट किए हैं, जो आपने माँ को अर्पित किए थे, वो आप किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, किसी मंदिर में दे सकते हैं या फिर जल में प्रवाह कर दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रयोग को करने के बाद आप कुछ ही दिनों में देखेंगे इसका असर और माता दुर्गा सही समय पर सही वक्त पर आपकी इच्छाएं पूर्ण जरूर कर देती है। ये एक विशेष प्रयोग है और बहुत चमत्कारी प्रयोग है, जिसे करने मात्र से आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। लेकिन बशर्ते यही है कि आप जो भी मांग रहे हैं, जो भी चाह रहे हैं, वो बिल्कुल सटीक होनी चाहिए और इसमें किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।